सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को आखिरकार आईपीएल डेब्यू का मौका मिल ही गया। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में मुंबई इंडियन टीम मैनेजमेंट ने उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया। उनके इस डेब्यू से आईपीएल में एक नया रिकॉर्ड बन गया है। अब सचिन और अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल के एक ऐसे ही एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेलने वाले बाप बेटों की पहली जोड़ी बन गई है। आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर आईपीएल के पहले सीजन यानी कि साल 2008 से लेकर साल 2013 तक लगातार मुंबई इंडियंस के लिए खेले थे। आइए अब इस वीडियो में जानते हैं ऐसे ही बाप बेटों की जोड़ी के बारे में जो आईपीएल का हिस्सा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जॉफ मार्श और उनके बेटे शॉन मार्श और मिशेल मार्श। आपको बता दें कि जॉफ मार्श साल 2011 में पुणे वॉरियर्स की टीम के कोच थे। आपको ये भी बता दें कि पुणे वॉरियर्स की टीम आईपीएल का हिस्सा अब नहीं है। जॉफ मार्श के बेटे शॉन मार्श ने ऑरेंज कैप जीतकर आईपीएल के पहले सीजन में तूफान ला दिया था। उन्होंने आईपीएल 2008 में 11 पारियों में 616 रन बनाए। किसके बाद मार्श ने पंजाब फ्रेंचाइजी के लिए 9 और सीजन खेले। आईपीएल पारियों की अगर हम बात करें तो उनका औसत 40 रहा और इस दौरान उन्होंने 2477 रन बनाए। जॉफ मार्श के दूसरे बेटे मिशेल मार्श भी आईपीएल का हिस्सा रहे। मिशेल मार्श ने साल 2010 में डेक्कन चार्जर्स के लिए आईपीएल में उन्होंने अपनी शुरुआत की। उस सीजन में उन्होंने तीनों मैचेस में हिस्सा लिया था। उन्होंने 6 आईपीएल सीजन खेले हैं और हाल ही में वो दिल्ली कैपिटल्स टीम का हिस्सा है। अब बात करते हैं एक और ऐसी ही जोड़ी के बारे में, कृष्णमाचारी श्रीकांत और श्रीकांत अनिरुद्ध। कृष्णमाचारी श्रीकांत यानी कि क्रिश श्रीकांत अपने पहले सीजन यानी कि साल 2008 में सीएसके फ्रेंचाइजी के ब्रांड एम्बेसडर थे। इसके बाद श्रीकांत साल 2014 में सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़े जब उन्हें उस फ्रेंचाइजी का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया था। उनके बेटे श्रीकांत अनिरुद्ध आईपीएल का हिस्सा रहे हैं। श्रीकांत अनिरुद्ध साल 2008 से चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा थे और साल 2013 तक 19 मैच उन्होंने खेले हैं। उन्होंने अपने आईपीएल करियर में एक अर्धशतक लगाया है। सीएसके के साथ अपने कार्यकाल के दौरान अनिरुद्ध को आईपीएल क्रिकेट में लगातार रन नहीं मिले और उन्होंने आईपीएल में ज्यादा सफलता नहीं चखी। अब बात करते हैं सुनील गावस्कर और रोहन गावस्कर के बारे में। सुनील गावस्कर आईपीएल के पहले सीजन के कमेंटेटर के रूप में जुड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके बेटे रोहन गावस्कर ने साल 2010 में केकेआर टीम का हिस्सा थे जब उन्होंने 2 मैच खेले थे। उन्होंने इस दौरान सिर्फ 2 रन ही बनाए। उसके बाद भविष्य के सीजन में मैदान पर वो नहीं उतरे। रोहन गावस्कर ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए एक प्रसिद्ध कमेंटेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट के रूप में फिलहाल काम कर रहे हैं। तो ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आईपीएल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।